हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल सीव विद कमल में। और आज मैं आपके लिए आई हूँ बहुत ही आसान तरीका प्लेकेट नेक बनाने का। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारी कुर्ती का फ्रॉक का फ्रंट पीस है उसे इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। ये मैं सीधी साइड ही मार्किंग करके बता रही हूँ आपको। और मैंने जो नेक की लेंथ रखनी है वो मैंने 8 इंच पे मार्क लगाया है, और यहाँ से मैं 2 पॉइंट्स का मार्क लगा रही हूँ। और ऊपर से मैं ये वाला मार्क जो नेक की विड्थ है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकती हैं अपने अकॉर्डिंग। और जो हमने अभी निशान लगाया उसे उसके ऊपर हमें इसी तरह से इंची टेप को रखना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो है हमारा कटिंग का मार्क है, और अब इसी मार्क के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। तो हमारी नेक की कटिंग हो गई है। और इस नेक को बनाने के लिए मैंने फैब्रिक की पट्टियां कट की हैं, जो मैंने 11.5 इंच लॉन्ग और 2.5 इंच विड्थ वाली कट की है, और सेम साइज का मैंने फ्यूज पेपर कट किया है। और इसे इसी तरह से रखते हुए हम इसे चिपका लेंगे प्रेस करके। और यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का मार्क लगाया जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है प्लेकेट को प्रेस करके, इसकी क्रीज बना ली थी। और इसी तरह हमें इसे रखना है, जो ओपन वाली साइड है वो नेक की तरफ होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार फिर से मेजर करके बता रही हूँ। तो ये हमारी रेडी होने के बाद इसी तरह से आपको क्रीज बना लेनी है, इसे आपको लगाने में आसानी होगी। और ओपन वाली साइड की तरफ हमें जो है सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें इस मशीन के फुट का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, और जो मार्क हमने लगाया था नीचे उस मार्क तक ही हमें सिलाई लगानी है, उससे आगे हमें सिलाई नहीं लगानी है। और सेम इसी तरह हम इस तरफ भी हमारी जो पट्टी है उसे अटैच कर लेंगे। सेम उसी तरह हमें 1/2 इंच वाले मार्क तक ही हमें सिलाई लगानी है और सिक्योर कर लेना है हमारी सिलाई को। और अभी जो हमने ये जो सिलाइयां हमारी खत्म हुई है यहाँ तक, वहां तक हमें तिरछे कट लगानी है जैसा मैंने आपको अभी ड्रॉ करके दिखाया है। तो हम सिंपली स्ट्रेट कट लगा लेंगे, जहां तक हमारी सिलाई है वहां तक ही हमें ये वाले कट लगाने हैं। और जो अब हमने प्लेकेट बनाई है उसे हमें इसी तरह से टर्न कर देना है उल्टी साइड, और अब हम इसे प्रेस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक जो रेडी है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जिससे हमारे प्लेकेट जो है वो हिले नहीं अपनी जगह से, और हमारा डिजाइन भी बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद। तो हमें इसी तरह मैंने व्हाइट फैब्रिक के ऊपर ही सिलाइयां लगाई हैं एजेस पे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह बहुत ही आसानी से ये वाला नेक बना सकती हैं। जितना इसे बनाना आसान है उतना ही ये खूबसूरत लगता है बनने के बाद। तो आप देख सकते हैं हमारी नेक की लुक बहुत ही ग्रेसफुल बना है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप YouTube में नए हैं, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हम मिलेंगे नई ट्यूटोरियल में नई वीडियो के साथ। तो आप मुझे इसी तरह से